ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने ब्रिटिश क्राउन की तरफ से सत्ता की शक्ति की तरह कार्य किया, भारत का 1857 का विद्रोह इस कंपनी के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था। क्या आप कभी सोच सकते हैं, सन 1857 की क्रांति के मात्र एक साल के बाद बंगाल प्रांत में पैदा हुआ बालक भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य से ही उनके महान सम्मान नाइटहुड की उपाधि पाएगा? ये कहानी 19वीं शताब्दी के एक महान जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी और वनस्पति शास्त्रज्ञ के बारे में है, जिन्होंने पौधों में भी संवेदना होती है इस तथ्य को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया था। विज्ञान शनिवार में आपका स्वागत है, एक पॉडकास्ट श्रृंखला जो अतीत की यात्रा करती हुई उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने विज्ञान को पुनर्जीवित किया और लोगों के बीच आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना जगा दी। मेरा नाम आभा है और आज की इस कड़ी में आप जगदीश चंद्र बोस के जीवन के बारे में सुनेंगे। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय विद्यालय में पूर्ण की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एक छात्र के रूप में वे अपने सहपाठियों के बीच जाति या धर्म के किसी भी अंतर से अनभिज्ञ थे। उन्हीं के शब्दों में, उन दिनों बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजना एक कुलीन स्टेटस का प्रतीक था। स्थानीय विद्यालय में जिसमें मुझे भेजा गया था, मेरे पिता के मुस्लिम परिचायक का बेटा मेरी दाहिनी ओर बैठता था और एक मछुआरे का बेटा मेरी बाईं ओर। मुझे कभी भी नहीं लगा कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें निम्न जाति कहा जा सकता है। बड़े होने पर जगदीश चंद्र बोस इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा देना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंसेज में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने भारत लौटने पर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिक शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया। अगले भाग में हम प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके जीवन के कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डालेंगे। जब वे सहायक प्रोफेसर बने, उन दिनों भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस कारण उन्हें अपने अंग्रेजी समकक्षों के आधे वेतन की पेशकश की गई। इस प्रस्ताव को ठुकराने की बजाय जेसी बोस ने विरोध में वेतन लेने से ही इनकार कर दिया। अंततः 3 साल के बाद कॉलेज ने उनकी मांगों को मान लिया। बाद में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक छोटा सा बाड़ा जो बाथरूम से सटा हुआ था उसी को एक प्रयोगशाला में बदल दिया और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन और ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन से जुड़े भौतिकी के प्रयोग किए। क्या आप जानते हैं कि द इलेक्ट्रिशियन पत्रिका में जेसी बोस द्वारा लिखे गए लेख किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाले पहले वैज्ञानिक पत्र थे? सर जेसी बोस अपने छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने वैज्ञानिक प्रदर्शनों का व्यापक उपयोग करके उनमें जिज्ञासा का बीज बोया। उनके कुछ छात्रों में सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साह जैसे प्रतिष्ठित भविष्य के वैज्ञानिक शामिल थे। अगले भाग में हम ज्ञान और शोध से संबंधित उनके विचारों पर एक नज़र डालेंगे। जगदीश चंद्र बोस ज्ञान की स्वतंत्रता में कट्टर विश्वास रखते थे और यही उनके पेटेंट के प्रति विरोध का आधार था। कवि रविंद्रनाथ टैगोर को लिखे एक पत्र में बोस ने लिखा, यदि केवल टैगोर इंग्लैंड के पैसे के लालच को देखते तो कहते ये कितनी भयानक बीमारी है। बोस प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के अग्रदूतों में से थे और उन्होंने ही पहली बार रेडियो तरंगों का उपयोग करते हुए बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। हालांकि ये इटालियन भौतिक विज्ञानी गैलीलियो मार्कोनी, जिन्हें 1897 में रेडियो संचार की पहली उचित प्रणाली को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है,
से लगभग 2 साल पहले ही था। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह बोस का वैज्ञानिक योगदान ही था जिसका उपयोग मार्कोनी ने 1901 में पहली बार ट्रांस एटलांटिक रेडियो सिग्नल भेजने के लिए किया था। इस पर जब उनके भतीजे ने पूछा कि रेडियो का असली आविष्कारक कौन था, तो बोस ने कहा, आविष्कारक नहीं बल्कि आविष्कार वो चीज़ है जो मायने रखती है। अगले भाग में हम जीव विज्ञान और विज्ञान कथा लेखन के लिए बोस के आविष्कारों की जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि उन्हें पौधों में जीवन को सिद्ध करने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में क्यों जाना जाता है। जगदीश चंद्र बोस को न केवल जीव विज्ञान पर उनकी दो पुस्तकों रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग और द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स बल्कि निरुद्देशेर कहानी नामक एक विज्ञान कथा पुस्तक के लिए भी जाना जाता है। बोस पहले भारतीय लेखक थे जिन्होंने एक साइंस फिक्शन उपन्यास लिखा था जिसमें समुद्र में आए एक बड़े तूफान को किस तरह बालों के तेल की एक बोतल से रोका गया था। वनस्पति विज्ञान में भी अपनी रुचि का अनुसरण करते हुए बोस ने पौधों के नब्ज को रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया था। उन्होंने इस उपकरण को एक पौधे से जोड़ा और पौधे को उसकी जड़ों के साथ सावधानी से उठाया और ब्रोमाइड सॉल्यूशन, जो एक तरह का जहर होता है, उसके बर्तन में उसके तने तक डुबोया। पौधे के नब्ज की धड़कन, जिसे यंत्र ने घड़ी के लोलक की तरह लगातार आने जाने की गति के रूप में दर्ज किया, तो देखा गया कि वह नब्ज अस्थिर होने लगी। जल्दी ही मौके पर जोरदार कंपन हुआ और यंत्र अचानक रुक गया। जहर के कारण पौधा मर गया था। ऐसा ही कुछ होता अगर किसी जानवर को जहर में डाल दिया जाता। दुनिया भर के अधिकांश वैज्ञानिकों ने उनके निष्कर्षों की प्रशंसा की। ये पहली बार था जब वैज्ञानिक फैटर्निटी में पादप जीव शक्ति को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया हो। दुर्भाग्य से उनकी व्यापक विद्वता के बावजूद उन्हें आज लगभग भुला ही दिया गया है। 1977 में नोबेल प्राइज जीतने वाले सर नेविल मॉट ने कहा कि बोस अपने समय से लगभग 60 साल आगे थे और उन्होंने भविष्य में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के उपयोग की सही भविष्यवाणी की थी। 1920 में बोस को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, हालांकि उनको ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1917 में नाइट की उपाधि दी गई थी। लेकिन हम में से अधिकांश भारतीय उन्हें आचार्य जगदीश चंद्र बोस के ही रूप में याद करते हैं। राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित होकर 1917 में बोस ने अपने 60वें जन्मदिवस पर बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। संस्थान के उद्घाटन के लिए महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सुअवसर के लिए एक विशेष गीत लिखा, मात्र मंदिरों पुण्यों आंगनों। बोस ने अपने संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि यह केवल एक प्रयोगशाला ही नहीं बल्कि एक मंदिर है। बोस इंस्टीट्यूट एशिया का पहला आधुनिक अनुसंधान केंद्र है जो अंतःविषय अनुसंधान पर केंद्रित था। हम आज इस कहानी को इस महान आत्मा के निधन के बारे में न बोलते हुए समाप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान के शब्दों के साथ उन्होंने हमें यह सीख दी, ज्ञान कभी भी किसी भी पसंदीदा जाति का अनन्य अधिकार नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है और विचार की एक निरंतर धारा ने सदियों से मानव जाति की साझी विरासत को समृद्ध किया है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम विज्ञान शनिवार के अगले एपिसोड में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कृपया इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भारत के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की उपलब्धियों से अवगत हों।